तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में ना हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं जैसे कि माँ काली हीलिंग की पास्ट लाइफ की ब्लैक मैजिक की ऐसी ढेर सारी बातें करने वाले हैं हम जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी जानना तो हम उसके लिए लेके आए प्रियंका शर्मा मैम को मैम स्वागत है आपका थैंक यू सो मच मैम सबसे पहले माँ काली हीलिंग की बात करते हैं और सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि माँ काली हीलिंग के बारे में आप ये थोड़े बताओ कि क्या पावर एग्जैक्टली होती है ये देखो माँ काली हीलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं माँ काली के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी रीज़न बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो माँ काली के बारे में ना मित लेके बैठे हैं कि माँ काली की पूजा नहीं कर सकते हो घर में रह के या फिर माँ काली की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए घर में ये सब मित हैं तो बेसिकली क्या है ये सब एक्चुअल में मिथ है माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है हाँ हर चीज़ को पाने के लिए दो तरीके होते हैं एक सात्विक होता है और एक तामसिक होता है ठीक है जो लोग तामसिक तरीका करते हैं वो शमशान में पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो तरीका अलग है वो लोगों को मना किया जाता है कि आप घर में मत रखो जो लोग सात्विक करते हैं जैसे मैं हूँ मेरे फादर हैं हम लोग सात्विक पूजा करते हैं तो हम लोग घर में कर सकते हैं और कोई भी इन जनरल जो माँ काली की पूजा नहीं भी करता वो माँ काली की तस्वीर रख सकता है अब बात करते हैं माँ काली क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे लोग फोन करते हैं तांत्रिक हो क्या मैम आप आप पूजा करते हो तो मैं बता दूं मैं सात्विक पूजा करती हूँ सात्विक तरीके से पूजा करती हूँ पूरी प्रॉपर जो माता के मंत्र होते हैं सात्विक हर किसी देवी देवता के जो हैं दो मंत्र होते हैं एक तामसिक होता है और एक सात्विक होता है ये हर देवी देवता का होता है। हर देवी देवता का हर देवी कोई भी देवी देवता हो चाहे वो सूर्य देवता है चाहे कोई भी है जिनके मंत्र उच्चारण में प्रचंड का साउंड आता है ना वो तामसिक होते हैं और जिनका सिंपल मंत्र होता है जैसे ओम क्रीम काली काय नमा ये सिंपल है ठीक है ये हमारा सात्विक मंत्र है और तांत्रिक मंत्र तांत्रिक जो है वो अलग होता है तो कोई भी जो सात्विक तरीके से पूजा करना चाहता है वो माँ काली की पूजा कर सकता है ठीक है वो बात अलग है अगर शमशान में आप कर रहे हो माँ काली की पूजा तो आपको जो है और तरीके से जैसे मुर्गे की बलि देना है या फिर और कुछ चीज़ है वो चढ़ाना पड़ता है लेकिन सात्विक में ऐसा कुछ भी नहीं होता आप सिंपल एक माता को बर्फ़ी चढ़ा दो फूल चढ़ा दो माता के तिलक लगा दो माता उससे ही खुश हो जाती हैं माँ काली की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है बहुत बहुत स्ट्रांग मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बट क्या पावर में भी डिफरेंस होता है तामसिक तरीके वाली जो सिद्धि हासिल होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता पावर सेम ही है अच्छा। बस मैं एक चीज यहाँ पे हाथ बता दूंगी क्योंकि वो तामसिक तरीके से कर रहे हैं ना तो तामसिक में क्या होगा फटाफट से रिजल्ट मिल जाएगा सात्विक में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एग्जाम्पल देती हूँ एक स्टूडेंट है जो चीटिंग करके पास हुआ है ठीक है दूसरा स्टूडेंट है जो मेहनत करके पास हुआ है भले ही वो थर्टी थ्री मार्क्स लेके आया है क्या हुआ उसने मेहनत करी तो उसको जो उन्हें थर्टी थ्री मार्क्स के लिए पढ़ाई की ना वो उसको याद रहेगी और आगे फ्यूचर तक काम करेगी लेकिन तामसिक वाले जो कर रहे हैं या फिर जिन्हें चीटिंग की है उसका क्या होगा पास तो हो जाएगा लेकिन उन्हें नॉलेज तो नहीं ली ना कुछ भी याद तो नहीं रखा उसने सिर्फ पेपर बनाया चिट्स बनाई लिखा और आ गया सिंपल हम अगर इसको पूजा के तरीके में कहें कि रिजल्ट आपको मिलेंगे ठीक है चीटिंग वाले स्टूडेंट को भी रिजल्ट मिल रहा है वो पास हो रहा है और पढ़ाई लिखे वाले को भी मिल रहा है तो रिजल्ट आपको सात्विक में भी मिलेंगे तामसिक में भी मिलेंगे लेकिन तामसिक में थोड़े जल्दी मिल जाएंगे सात्विक में आपको अपनी पूरी श्रद्धा और कहते हैं ना थोड़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा और ड्यूरेशन क्या होती है वैसे इनकी जो आप तरीका सात्विक बता रहे वो कितने दिन देखो डिपेंड करता है वैसे 41 से 45 डेज का प्रोसेस होता है अगर आप पूजा अगर आप साधना करना चाहते हो अगर आपको सिंपल पूजा करनी है तो वो तो आप रोज भी कर सकते हो पाँच मिनट दस मिनट निकाल के आप माता रानी की पूजा कर लो वो हो जाएगा उसमें कोई ऐसा नहीं है सिमिलर तामसिक के अंदर भी उनको सिद्धि के लिए पूरा अपना टाइम करना पड़ता है शमशान के अंदर लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को थोड़ा जल्दी रिजल्ट में मिल जाते हैं लेकिन यूजली तामसिक जो है ना आप देखोगे तांत्रिक पूजा जो होते हैं वो नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा होती हैं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए सात्विक होती हैं नेगेटिव चीज़ों को अपने से हटाने के लिए अब जो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया हम पे ठीक है वो कहाँ से हुआ पूछते हैं ना किसी तंत्रिक से करवाया किसी से करवाया तो वो तामसिक ले आ रहे हैं, वो ले, और सात्विक तो ये ये भी, भी होते हैं और सिमिलरली और भी देवी देवताओं के होते हैं दोनों तो ब्लैक मैजिक या फिर जब तामसिक पूजा करनी होती है तामसिक जो भी कुछ करना होता है वो काली माँ की ही क्यों की जाती है और देवी देवता इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाते देखो होते हैं जैसे भैरव बाबा इन्वॉल्व हो गए ठीक है भैरव की भी होती है वो भी तामसिक में होती है वहाँ पे भी ब्लैक मैजिक का किया जाता है ठीक है लेकिन काली माता की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रचंड है बहुत ज़्यादा प्रचंड तो किसी भी चीज़ को क्योंकि काली की दस विद्या हैं काली ने अपनी दस झाँकी दिखाई थी जब काली रूप लिया था भोले बाबा को शंकर जी को अपनी दस झाँकी दिखाई थी अपनी दस विद्या अपने दस रूप दिखाए थे उन रूप का मिला के एक बना था और भोले बाबा अगर आप देखोगे कि जितने भी अघोरी होंगे या कोई भी होंगे वो भोले बाबा की पूजा जरूर करेंगे तो माँ काली भी भोले बाबा के ही एक रूप में से आई हैं तो इसलिए जो फीमेल आप अभी कभी भी देखोगे इंट्यूटिव पावर की भी अगर बात करोगे इट्स नॉट लाइक कि मेल के पास नहीं होती मेल के पास भी होती है लेकिन आप देखोगे कोई भी अकल साइंस वगैरह में फीमेल ज़्यादा आपको दिख मिलेंगी क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर उनको वरदान ही मिला हुआ है और स्ट्रांग होती है तो इसलिए माँ काली की पूजा की जाती है भैरों की भी पूजा की जाती है तम लेकिन माँ काली ज़्यादा प्रचंड हैं इस चीज़ में मैं पावर के बारे में बता रहे थे वो बताओ वो रह गया अच्छा माँ की जो पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग है बहुत बहुत स्ट्रांग जैसे आ, एक एग्जाम्पल देती हूँ किसी ने मेरे से हीलिंग करवाई ठीक है और उन्होंने मेरे को कुछ बताया भी नहीं ठीक है अभी जब हम हीलिंग की बात करें तब डिटेल में बताऊँगी लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरे को एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है लेकिन जब मैंने हीलिंग की ना माँ की इतनी पावर थी कि उन्होंने एग्जैक्ट जगह एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन बताई कि यहाँ पे ये चीज़ है इतनी स्ट्रांग पावर होती है कि आपको पता चल जाता है और माँ की जो अगर हम इन जर्नल बात करें पावर की तो माँ काली ना कहते हैं कि गोल वो होता है ना नारियल ऊपर से बहुत सख्त और अंदर से बहुत सॉफ्ट माँ की भी है तो लग तो माँ ही रहा है ना आगे माँ तो कोई भी किसी बच्चे का बुरा नहीं कर सकती और बुरा नहीं चाहती तो माँ जो है ना जब एक बारी आप माँ काली की शरण में चले जाते हो ना तो वो आपको इतना दे देती है कि आप ना बटोर नहीं सकते हो इतनी पावर है उनकी और मैम ये सिद्धि करने में कितना टाइम लगता है देखो अगर आप पूरा करोगे 45 डेज हैं ठीक है लेकिन उसके अंदर भी ना जैसे फीमेल्स हैं उसमें कई एक बीच में साइकिल आता है मंथली साइकिल उसको आप स्किप कर दोगे तो नहीं या फिर आपने कोई भी एक दिन छोड़ दिया ठीक है तो वो आपकी सिद्धि वहीं टूट जाएगी क्योंकि आपको रेगुलरली करना पड़ता है फीमेल को ये एक्सेप्शन होती हैं आप उनका वो काउंट रहता है लेकिन मेल्स के लिए ये नहीं होती हैं मेल्स को हाँ पूरा प्रॉपर 45 फाइव डेज कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है मैम आपने सिद्धि करी भी है हाँ तो जब मैं जानना चाहता हूँ सिद्धि से पहले और सिद्धि के बाद जब आपने एक देवी को सिद्ध कर लिया तो आपकी लाइफ में हमसे आप कैसे डिफरेंट हो क्या पूरे टाइम आपके अराउंड एक और अलग रहता है मतलब क्या क्या वो देवी आपके साथ रहती है पूरे टाइम कैसे आप डिफरेंट फील करते हो थोड़ा उस बारे में बताओ बताओके okay. देखो देवी कभी भी किसी के साथ नहीं रहती हैं कोई भी किसी की भी सिद्धि कर लो वो कभी आपके साथ हर वक्त नहीं रहते उससे क्या होता है आपको एक ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं आपको एक आशीर्वाद मिल जाता है कि जब जब आप किसी परेशानी में होगे कोई भी ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ पे वो आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है ना ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है वहाँ पर वो आपको सपोर्ट करेगा अब रही कि मैंने जब ये करी उससे पहले और बाद का डिफ्रेंस तो देखो पहले ना ऑनेस्टली मैं बताऊँ मेरे को शायद ही लोग जानते थे ठीक है मेरे को पूजा के बाद और लोग जानने लग गए पहली चीज़ दूसरी चीज़ मेरी स्परिचुअल अवेकनिंग इतनी ज़्यादा हो गई ना जब से मैं और पूजा में आई कि ना मैं बैठे बैठे ना डिफ्रेंस ये हो गया कि अभी तो जैसे मैं ऐसे आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ हो सकता है कि अभी अगर कुछ कहीं आसपास पास उल्टी सीधी हो ना तो मैं बता दूंगी रुक जाओ वहाँ पे कुछ होने वाला है या वहाँ पर कुछ हो रहा है तो पहले से चीज़ें आगा हो जाता है जिसे कहते हैं ना आगा होना चीज़ों के बारे में पता लगना वो पता और, और स्ट्रोंग हो जाती हैं बहुत और स्ट्रांग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जैसे मेरा अभी पीछे मैं एक मैं सिखाती भी हूँ माँकाली हिलिंग ना स्टूडेंट्स को अपने मेरी स्टूडेंट ना ले रहे थे क्लास चल रही थी उनको मैं सिखा रही थी सिखाते सिखाते मैंने उनको बोला अपने एक स्टूडेंट को रुको कहते हैं क्या हुआ उन्होंने मुझे बताया नहीं था उनके रूम में कोई आसपास बैठा हुआ है मैंने कहा आपके पास कोई बेटी बैठी हुई है क्या उसको अटैक्स आते हैं एंड शी लाइक नो शॉक्ड और वो लिटरली रोने लगी थी कहती है ये मैम मेरी डॉटर को अटैक्स आते हैं बहुत ज्यादा सीवियर अटैक्स आते हैं इसीलिए मैं हीलिंग सीख रही हूँ मैम okay. थोड़े और क्लाइंट एग्जांपल्स के बात करते हैं आपके पास परेशानों के लोग आए फिर आपने महाकाली की हीलिंग करी और फिर वो सही हो गए हाँ देखिए अब जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने मेरे को बोला कि ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर ठीक है मैं ना जल्दी से किसी को रेंडमली नहीं बोलती हूँ कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है क्योंकि आज की डेट में ना आपको अगर आप दस लोगों पे जाओगे ना आठ लोग आपको बोल देंगे हाँ ब्लैक मैजिक है ठीक है क्यों क्योंकि हर कोई ना दूसरे का आजकल फायदा उठाता है बट मैं ऐसा नहीं मैं पहले क्लियर क्या करती हूँ टेरो से कि एक्चुअल में है या नहीं अगर किसी का लगता है कि नहीं यार में है उनको मैंने चेक किया है। एक ये एक है कि आप से पता लगवा देते हो हाँ। ये हम नया सुन रहे हैं ये भी एक अलग चीज़ है आपको मिलेंगे टैरो कार्ड रीडर जो ब्लैक मैजिक या फिर ईवल आए या फिर पास्ट लाइफ कार्ड रीडिंग से करते हो तो ये मैं इससे करती हूँ से हाँ जी मैं टैरो से करती हूँ तो मेरे उन क्लाइंट ने बोला कि मेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक है मैंने पहला कार्ड निकाला और उसमें एकदम यस आ गया ब्लैक मैजिक का ना एक कार्ड होता है स्पेशली टैरो में सेवेंटी एट कार्ड में से एक कार्ड होता है द डेविल का वो एक्चुअल में ब्लैक मैजिक या ई वालाई का कार्ड है तो ना वो कार्ड मेरा सामने आ गया मैंने कहा हाँ ठीक है, है। मैं मैं आप पे है उन्होंने कहा मैम आप सोल्यूशन दो मैंने कहा देखो माँ काली हीलिंग करवा लो मेरे पास तो सात्विक तरीका है अब वो करवा लो कहते हैं ठीक है, है मैम आप कर दीजिए मैंने कहा ठीक है उन्होंने मेरे को बोला कि आप कब करोगे मैंने उनको एक पर्टिकुलर डे बताया जब मैं वो हीलिंग करने बैठी ना मैं उससे कनेक्ट ही नहीं हुई मैंने कहा नहीं मेरे को अड़चने आ गई मैंने माँ से बोला भाई अड़चन आ रही है क्या करें छोड़ दो ऐसे करके सात दिन लगातार मुझे अड़चने आई मैम

माँ का जो भोग चढ़ता है वो सफेद बर्फी चढ़ता है सात्विक में ठीक है और अगर तामसिक की बात करें तो उनको मुर्गा चढ़ता है ठीक है सात्विक में तो मैंने बर्फी रखना भूल गई अभी मंत्र जाप करती जा रही हूँ माला हिल रही है अपने आप एक बार मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे से मैं जाप कर रही हूँ लगातार मैं चैंटिंग कर रही हूँ माला हिल रही है पंखा भी नहीं चल और ये सर्दियों की बात है मैंने कहा पंखा भी नहीं चल रहा है माला हिल कैसे रही है मैंने कहा मैं बर्फी रखना भूल गई क्या अपने आप फूल गिरा ठक नीचे मैंने कहा ओके मैंने देन एंड देयर अपने जाप को बीच में रोक के पहले बर्फी ऑर्डर करी मैंने लगाई भोग लगाया तब जाके मेरा जो फोकस भी था ना वो भी डाइवर्ट हो रहा था बार बार मैं इधर उधर हाँ माला हिलनी बंद हो गई और भोग लगाते ही ना वो जो खुद की भी होती है ना कि हाँ भाई खुद का सेटिस्फैक्शन कि हाँ पूरा हुआ वो फिर वो सेटिस्फैक्शन मिला और फिर मेरी चैंटिंग कंटिन्यू हुई और फिर वो हीलिंग कंटिन्यू हुई तो इस तरीके से आपको आंसर भी मिलता है और डायरेक्ट भी आंसर मिलते हैं हीलिंग के थ्रू वो भी बताऊंगी तो क्या हुआ मेरी ये जो क्लाइंट जिनके मैं बता रही थी कि ब्लैक मैजिक वाला इन क्लाइंट ने मेरे को बोला कि हीलिंग कर दीजिए आप कोई दिक्कत नहीं मैंने है, है मैंने कार्ड से मालूम पड़ गया ब्लैक मैजिक हाँ टैरो कार्ड से पता चल गया कि ब्लैक मैजिक है मैंने कहा अब इनकी हीलिंग कर देती हूँ सात दिन लगातार मैंने ट्राई किया नहीं हुआ आठवें दिन मैंने कहा माँ आज मुझे करनी है मैं किसी के लिए ना इतना ज़्यादा कैसे करूँ ठीक है हर एक पूरे दिन में उन उसकी चक्रा क्लींजिंग करनी है फिर हीलिंग करनी है सब कुछ करना है नहीं हो पा रहा है मेरे से मेरा भी छोटा बच्चा है मैं ठान के बैठी हूँ मैंने ना माता को गुड़हल का फूल काली माता को हाँ जो लोग करना चाहें काली माता को जो फूल चढ़ते हैं वो गुड़हल के फूल चढ़ते हैं हिस्बिस्कस जिसे हम कहते हैं वो गुड़हल के फूल चढ़ते हैं तो मैंने ना कहा कि आज तो मैं करूँगी मेरी डॉटर है अभी डेढ़ साल की हुई है तो वो ना बाहर खेल रही थी ड्राॅइंग रूम में मेरे पास बहुत सारी स्ट्रीट कैट्स हैं बहुत सारी और सारी ही ब्लैक हैं ठीक है मेरी ना कैट दीवार को देख के ना चिल्लाने लगी ठीक है मैंने कहा ये चिल्ला क्यों रही है मैं अंदर पूजा कर रहा हूँ मैंने कहा चल ठीक है मैं पूजा करती रहती हूँ कोई बात नहीं मेरी डॉटर को जो दीदी संभालती हैं जो डेढ़ साल की मेरी डॉटर वो आई आके कहती है दीदी पता नहीं क्या हुआ गोल मैंने बिल्ली के नाम रखा है गोलगप्पू दीवार को देख के ना रोए जा रहा है हाँ गोल मतलब मेरी जो कैट है ना वो दीवार को देख के रोए जा रहा है रोए जा वो ना बहुत हैवी है मोटा है

वो स्मेल मेरे घर में तीन दिन तक रही है अब वो स्मेल आनी शुरू हो गई मेरे घर में ठीक है मेरी दीदी कहती है क्या हुआ मैं गई मैंने पूजा की पूरी पाठ किया माता रानी से क्योंकि प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे अपनी भी अपनी फैमिली मेम्बर की भी क्योंकि कब किस पे क्या अटैक कर दे पता नहीं होता मैंने पूजा करी पूजा कंप्लीट करी मेरा ना कैंडल होल्डर है कांच का था वो वो कम से कम इतना मोटा होगा एक इंच मोटा वो मैं पूजा करते करते ना वो कैंडल मेरी कैंडल उसके अंदर लगी हुई है और वो अपने आप ब्लास्ट हो गया वो अपना आप लास्ट मैं समझिए कि ये जो है जो हटाने नहीं दे रही है ब्लैक मैजिक ये वो ही है मैंने अपने क्लाइंट को पूछा उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मेरे को ये ये प्रॉब्लम फेस होती हैं मैंने उनको बोला आपको स्मेल आती है आपका बॉडी पेन करता है क्या आपको और आवाज़ें भी सुनाई देती हैं ही सेड येस मैंने कहा ओके okay. तो ये एंटिटी जो जिनका मैं रिमूव कर रही थी ब्लैक मैजिक ये इन्हीं की ही है तो ये एग्जाम्पल तो आपने फिर उसे क्योर कैसे करा अपने घर से कैसे हटाया अब मैंने तो माता रानी का आशीर्वाद लेना मैंने कहा माँ मेरे बच्ची छोटी है मेरे फैमिली मेम्बर हैं आई कैन नॉट अलाउ और मेरे घर में ऐसी चीज़ कोई भी एंटिटी एंटर नहीं कर सकती है वो आपने मैंने बताया ना कि वो बाहर पे ही चिल्ला रहा था क्योंकि मैंने तो माता की पूजा कर रखी है ना अब माँ अपने बच्चों को थोड़ी परेशान होने देगी तो वो अंदर तक नहीं आई एंटिटी वो बाहर तक ही रही अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद उनकी दो तीन हीलिंग करी मैंने उसके बाद मैं ही अच्छा है रिस्पांस मैं, कि मैम मुझे अच्छा किया ओ, अच्छा और आपको हील करने के लिए किसी को क्या रिक्वायर्ड होता है उसका फोटो उसकी, नाम या उसकी करंट फोटो चाहिए होती है मुझे अच्छा वो भी फुल क्योंकि जब हम एनर्जीज भेजते हैं ना जब हीलिंग करते हैं तो पहले मैं मेरा प्रोसेस ये रहता है कि मैं चक्रास क्लीन करती हूँ पहले कि इंटरनल जितने भी प्रॉब्लम है पहले वो फिर हीलिंग करके फिर प्रोटेक्शन करती हूँ उनकी जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करती हूँ और फिर उनको लास्ट में प्रोटेक्शन दे देती हूँ ताकि वो दोबारा से उनके ऊपर कोई भी चीज़ इफेक्ट ना करे मैम आपने बताया कि आपने जो कैट पाली हुई है सभी की सभी काली बिल्ली हैं वो भी कोई रीज़न है क्या नहीं मैं मेरे पास पहले जब आई थी वो एक छोटी सी इतनी सी आई थी उसका नाम मैंने माऊ रख रखा था वो इतनी सी आई थी छोटी सी वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता उसके बाद जब मेरे पास कैट्स आनी शुरू हुई ना वो इतनी ज़्यादा आई कि मेरे को आज तक नहीं अभी भी छोटे छोटे दो हैं उनका नाम रख रखा है एक का एलेक्स और एक का जेवियर और सारे ही ब्लैक आते हैं मेरे पास मैं कहूँगी दस है ना अगर दस में से आठ मेरे पास ब्लैक है अच्छा हाँ सारे सारे ब्लैक हैं वो कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं मुझे नहीं पता बस वो आते हैं मेरे पास ओ, ये एक अलग मिस्ट्री है इवन मेरे आस पड़ोस वाले भी ना जो हैं वो दे आर शॉक की तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं ये? सही बात है। और, तो तो है। हाँ, तो है। और जबकि मैं इसमें, अगर हम टेरो की बात करें ना तो ब्लैक है हम काला बनाते हैं ना किसी का भी जैसे मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि मैम हमें प्रोटेक्शन थ्रेड भी बना के दो तो मैं जो नॉट मैजिक हम लोग करते हैं ना मन्नत के धागे वो भी बनाती हूँ या फिर प्रोटेक्शन थ्रेड भी वो काले से ही बना के देती हूँ तो लोगों का मानना ये मिथ है कि बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो तो बिल्ली से बेसिकली मत डरो हाँ मत डरो एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ बिल्ली से मत मेरे घर में तो कितनी बार घूमती है कितनी बार रास्ता काटती है तो मैं ऐसा वो सोच के तो मैं अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी नहीं सही बात वॉशरूम जा रहे बिल्ली कर, कर हाँ, अरे नहीं अभी नहीं जाऊंगी होल्ड कर लेती हूँ थोड़ी देर लेकिन जाऊंगी नहीं थूक फेंक के चली जाती हाँ, नहीं 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 ये करती नॉट नॉट मैजिक क्या होता है अभी मैंने हाँ नॉट मैजिक जिसे हम मन्नत का धागा कहते हैं ना हम ये पहली बार सुन रहे हैं मन्नत का धागा हाँ अच्छा आप लोगों ने नहीं सुना बताओ जैसे देखो अब उसका एग्जाम्पल देती हूँ मेरी बॉम्बे की एक क्लाइंट शी इज़ लाइक यू नो ओनली फोर्टी के जी उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली हर चीज़ ट्राई कर ली उनका वेट नहीं इंक्रीज हुआ बिल्कुल भी अब वो कहते हैं मैम करूँ तो करूँ क्या मैं मैंने आपके उस पर देखा है कि आप मन्नत का धागा भी बनाते हो मैंने कहा हाँ कहते हैं ठीक है तो आप हमारा मन्नत का धागा बना दो मैंने कहा देखो ये बिलीफ और ट्रस्ट के साथ पहनना पड़ेगा आपको मैं बना देती हूँ मैंने माँ काली का, का आशीर्वाद लेके उसका मन्नत का धागा बनाया कहते मैं मेरे को ना जब उसने मेरे को धागा बनवाया था उससे पहले मेरे को ना भूख भूख भी नहीं लगती मैं इतना ट्राई कर चुकी हूँ होम्योपैथिक दवाई एलोपैथिक सब कर लिया मैंने मैंने कहा ठीक है आप एक बार ये भी ट्राई कर लो मैंने धागा बनाया लड़की ने मुझे मैसेज किया मैम विद इन अ मंथ आई है उस कह मुझे इतनी भूख लगती है अब इतनी भूख लगती है कि मैं कहती हूँ आने दो <laughs>

मतलब उसको आप चार्ज करो चार्ज करने का दोबारा नहीं मैं प्रोसेस बताती हूँ आप उसको कैसे चार्ज करोगे खुद से उसने भी आप माँ का काली का ही करती हूँ तो तो फिर उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा जो एडिक्शन से दूर नहीं हो पा रहे और yes, ये सब यस yes, बहुत सारे आते हैं वो हीलिंग के थ्रू भी मैं अडिक्शन छुड़वाती हूँ क्योंकि माँ का आशीर्वाद देख के उनको प्रोटेक्शन एक ना हमारा सबके आस ना एक और है ठीक है सबको ही पता है आज की डेट में और की एक वाइब्रेशन होती हैं है ना पूरी वाइब्रेशन होती है अब वो वाइब्रेशन जब हमको हिट करती है ना कई बार होता है ना हम किसी से मिलते हैं हम कहते हैं बहुत नेगेटिव बंदा है ये इससे पॉजिटिव या किसी से बात करके ना अजीब सा मन हो जाता है तो वो और ही होता है जो हमारा कनेक्ट करता है तो हम जब ये एडिक्शन वगैरह भी करते हैं ना तो क्लिनजिंग करके उसका और क्लेंस करके तब उनकी एडिक्शंस को रिमूवल करते हैं है। मैम ये और आप कैसे क्लेंस कर सकते हो किसी का और या किसी Energies. के आप कह रहे हो फोटो से हम चक्रा क्लियर कर देते हैं एनर्जीज तो आप आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं हम इसका प्रोसेस होता है प्रॉपर और आपको पता कैसे चलता है कि क्लेंज हुई कि नहीं इसका ना अगर नॉर्मली अगर माँ काली हीलिंग प्रोसेस करते हो ना आप जब प्रोसेस करते हो वो हार्डली फाइव मिनट का प्रोसेस है लेकिन जब हम हीलिंग करते हैं ना ऊपर से हम तभी पूरी फुल बॉडी लेंथ मंगाते हैं जब हम हीलिंग करते हैं ना तो क्या होता है ऑटोमेटिकली ना हाथ वहीं पे एक पर्टिकुलर जहाँ पे इशू होता है ना वहाँ पे जाके ना हाथ रुक जाता है अपने आप ही वो ना नीचे नहीं जाते हमारे हाथ क्लिनजिंग के टाइम पर कि वो वहीं रुक गए इसका मतलब इसके इस चक्रा के अंदर या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉब्लम है तो वो जब तक वहां से हाथ क्लिनजिंग चल रही है ना तब तक हाथ नहीं लेंगे फिर उसके बाद अपने आप हाथ ना मूव होने शुरू हो जाते हैं क्लियरली मामी वो वही वाली हीलिंग है जैसे जिसे कहते हैं रेकी हीलिंग रेकी इज अ डिफरेंट ये उसका भी वास्ट एवल है दूर रह के भी कर सकते हो और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है की सामने वाले को प्रेजेंट नहीं रहना होता है लेकिन उसकी करंट फोटो जरूर रिक्वायर्ड होती है जो भी लेकिन फुल लेंथ की अच्छा और हम अगर किसी को माँ काली हीलिंग सीखनी है तो उसको क्या या साधना उस करनी है उसको तो क्या क्या चीजें ध्यान में रख के करनी चाहिए चीजें देखो अगर हीलिंग सीखनी है तो उसका प्रोसेस तो मैं बता देती हूँ कि आप पहले दिन जो है अट्यूनमेंट करवाते हैं अट्यूनमेंट मतलब माँ से कनेक्शन करवा दिया उनका ठीक है सेम डे लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ भाई उनके कनेक्शन हो गया अच्छा। जब अट्यूनमेंट देती हूँ उसी टाइम पे स्टूडेंट कहते हैं यस तो ये क्या अनुष्ठान टाइप होता है अनुष्ठान टाइप होता है ठीक है उनको अट्यूनमेंट दी अट्यूनमेंट के बाद नेक्स्ट डे जो है वो हीलिंग प्रोसेस समझाती हूँ उसके बाद उनको बताती हूँ कि इतने दिन तक आपको कॉन्टीन्यूस ये करना ही करना है एंड देन उसके बाद उन्हें खुद ही लगने लगता है हाँ भाई अब मैं सीख गई प्रोसेस अब मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो प्रॉपर प्रोसेस बट उस दौरान आपको रहना भी सात्विक होता होगा या नहीं नहीं इट्स नॉट मैंडेटरी आप नॉनवेज खा सकते हो खा सकते हो खा सकते हो हाँ, खा सकते हो आपने ऐसे कर हैं, आप खा सकते है मैं, मैं तो खाती नहीं हूँ बचपन से ही हाँ मैं वैसे नहीं खाती हूँ बट खा सकते हो इट्स नॉट मैंडेटरी की आपको नहीं खाना स्मोक और लेकर कर सकते हो रीजन इसका सिर्फ क्या है माँ काली का सात्विक का ये तरीका है कि आप ना अब जैसे भैरव बाबा की पूजा करते हैं लेकर चढ़ाते हैं ना तो कोई ये थोड़ी कि आप उनकी कोई वो नहीं कर रहे हो चढ़ा रहे हो ना लेकर उन्हें सिमिलरली माँ काली की जो सात्विक तरीका है उसमें एक पर्सन का आपका हो सकता है कि ये रिलीजियसली या फिर आप जिस उसमें हो कम्युनिटी में वो आपका मेन फूड है नॉनवेज तो आपको मना नहीं करेंगे ना जैसे बंगाल के अंदर अगर आप नवरात्रों में जाओगे माँ काली को बकायदा नॉनवेज सर्व किया जाता है रीजन उनको बोला ये माना जाता है कि माँ जो है बंगाल में एज एन बेटी आती है एज एन डॉटर आती है तो एक माँ को बच जब किसी की बेटी अपने माई के आती है तो क्या करते हैं अच्छे से अच्छा बना के खिलाते हैं ना वहाँ जो है बंगाल के अंदर जो है नॉनवेज सबसे पहली प्रायोरिटी होती है लोगों के खाने में है ना तो वो माँ को खिलाते हैं ऐसा इसमें कोई कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो तो कोई में भी चले कोई दिक्कत हाँ, नहीं चल सकता है और कपड़ों का भी होता है कि हाँ, कुछ पहनना पहनना ये रंग नहीं पहना हाँ, वो पहना। ब्लैक कलर नहीं हम प्रेफर करते हैं एट द टाइम ऑफ द हीलिंग रीजन उसका ये होता है कि ब्लैक जो है ना वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेता है बहुत ज्यादा तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ द हीलिंग ना हम ब्लैक पे बैठते हैं और ना ही हम ब्लैक जो है कपड़े पहनते हैं बाकी और कोई कलर आप पहन सकते हो मैम जैसे आपने चक्रास की बात करी और आपने बोला कि ऑब्स्टेकल आ जाते हैं तो किस तरीके के ऑब्स्टेकल आते हैं चक्रास में थोड़ा वो बताओ देखो इसका एक एग्जांपल देके बताती हूँ वन ऑफ माय क्लाइंट वो अपनी मदर के लिए हीलिंग बुक की उन्होंने एंड उन्होंने बोला मेरी मदर ना ठीक नहीं है आप उनकी हीलिंग कर दीजिए हेल्थ की मैंने कहा ठीक है हेल्थ की हीलिंग कर देती हूँ उनकी तो जब मैं उनकी हीलिंग कर रही थी ना तो हीलिंग करते करते मुझे मैं आईज़ क्लोज करके होती हीलिंग हीलिंग करते करते मुझे क्या दिखा उनकी में में माँ काली अपनी टंग से ना कीड़े निकाल रही अच्छा। और ना जैसे वो कीड़े निकाल रहे हैं, और वहां पे ना स्पाइनल के न, एक कलर का स्क्वायर बॉक्स बन गया ठीक है हाँ मुझे दिख रहा है जब मैं हीलिंग कर रही हूँ बाकायदा जब हम कैंडल या दिया लगाते हैं उस पर्सन के पर्टिकुलर नेम के साथ उसकी कितनी Uh, मतलब टाइम में वो कैंडल या दिया बर्न हुआ है कितना टाइम लिया है वो भी उससे भी हमें पता लगता है तो मेरे को दिख रहा है ये कि माना ना अपनी टंग से ना वो कीड़े बाहर निकाल रहे हैं मैंने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया मैंने कहा कि जी देखो मेरे को ना ऐसे ऐसे एक रेड बॉक्स दिखाएं प्लीज़ आप अपने घर में देखो ऐसा कोई रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स है जिसके अंदर कीड़ा या कुछ भी हो उसने ना पूरा दिन लगा दिया क्लाइंट ने उसको नहीं मिला कह रहा मैम एक स्क्वायर बॉक्स तो मिला है ट्रांसपेरेंट लेकिन रेड नहीं मिला मैंने कहा ठीक है मैंने कहा माता रानी मैं तो झूठी हो गई ये क्या करवाया आपने आज तक तो कभी आपने गलत नहीं करवाया ठीक है रात को तीन बजे मेरा क्लाइंट फोन करता है मैम मैंने अभी देखा मैंने कहा क्या एक बॉक्स मिला है रेड कलर का स्कोर बॉक्स है उसके अंदर मम्मा के क्लचर वगैरह ये सब जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं वो हैं और उसके अंदर एक्चुअल में बहुत सारे जिंदा कीड़े हैं अच्छा यस है तो मैंने कहा ठीक है आप इस बॉक्स को हटा दो शायद यही दिख रहा था तो एक किसी का करा करा है ये तो मैंने कहा ये आप हटा दो तभी उन्होंने जैसे ही हटाया अभी फिर मैंने उनको पूछा आपकी मदर की स्पाइन में कोई इशू है क्या कहते हैं है, मैम स्पाइन के पास ना डॉक्टर ने बताया कैंसर डेवलप हो रहा है ओके मैंने कहा ओके स्पाइन के, मैंने कहा ठीक है आप डॉक्टर ट्रीटमेंट मत छोड़ना देखो मैं हमेशा कहती हूँ हीलिंग अगर आप करवा रहे हो ना अगर आप किसी हेल्थ की हीलिंग करवा रहे हो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कभी मत छोड़ो वो कॉन्टीअस रखो वो एक एंटायर डिफरेंट है एज एन ह्यूमन बींग और आप स्परिचुअली अपना जो कर रहे हो वो अलग है बिल्कुल तो आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो और आप ये भी करते रहो कॉन्टिन्यूस में तो उन्होंने कहा ठीक है तो अभी नाओ शी इज लिटिल बेटर पहले से जैसे वो बिल्कुल ही बेड रिटर्न थी हिल भी नहीं पाती थी नाउ शी कैन इवन वॉक अ ये तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के थ्रू भी और हीलिंग के थ्रू भी दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम वाह मैम तो मैम थोड़ी आपकी जो सेकेंड एक्सपर्टीज़ है टैरो उसकी बात करते हैं टैरो से वैसे तो हमने सुना है कि लोग करंट फेज़ के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पूछते हैं आप बताते हो पास्ट लाइफ की चीज़ें तो ये, ये, कैसे, सुन ये कैसे ये कैसे हो सकता है और कुछ एक्सपीरियंस के साथ अगर आप बता सकते हो एग्जांपल के साथ बहुत सारे लोग ना क्या करेंगे सिर्फ आपको करंट का बताएंगे मेरे को इनिशियल पे मैं भी सिर्फ सिंपल एज एन नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर मैं भी यही करती थी प्रेजेंट का बता दिया फ्यूचर का बता दिया बस बात खत्म ठीक है लेकिन मैंने फिर थोड़ा थोड़ा और मैंने ना अलग अलग पांच टैरो कार्ड रीडर से सीख रखा है नेशनल इंटरनेशनल दोनों से क्योंकि मुझे ना नॉलेज गेन करने में बड़े मज़े आते हैं भाई ऑब्वियसली किसी का ज्ञान बढ़ रहा है तो क्या ही बुरा है तो मैंने क्या किया मैंने अलग अलग सीखा फिर ना मैंने थोड़ा सा और डीप में जाना शुरू किया सीखा तो क्या होता है कि जब आप किसी सिनेरियो में पर्टिकुलर सिनेरियो में होते हो ना आप उस सिनेरियो को देखो और फिर हम पास्ट लाइफ का उनके कार्ड से ही निकालते हैं उनसे करंट सिनेरियो के बारे में कॉन्फर्मेशन लेते हैं क्या आपकी सिनेरियो में ये है फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देके बताती हूँ वन ऑफ माई क्लाइंट उन्होंने बोला कि मैम मेरा ना देख लीजिए आप मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मैंने कहा ठीक है मैं आपकी पास्ट लाइफ रीडिंग करती हूँ अगर आपका सेम पैटर्न किसी चीज़ को लेके चल रहा है मैंने उनको देखा उनकी पास लाइफ में रिलेशनशिप का कोई इशू आया था सब जो टैरो कार्ड रीडर है उन्हें पता होगा थ्री ऑफ शॉर्ट्स धोखे का कार्ड चीट का कार्ड ऐसा है उसके साथ मैंने सपोर्टिंग कार्ड भी निकाला अब मैंने उनको इंट अब यहाँ पे टैरो जो कार्ड्स हैं वो आए है। अब यहाँ पे आई मेरी इंट्यूटिव पावर मैंने उनसे पूछा एकदम से मुझे कनेक्ट हुआ आपकी वाइफ आपके साथ हैं कहते हैं क्यों मैम मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा सा कुछ इंट्यूटिवली कनेक्ट करके पूछ रही मुझे प्लीज़ आप इसका आंसर कीजिए कहते हैं मैम मेरी वाइफ शी पासड अवे टू मंथ्स बैक मैंने कहा कहते उन्होंने सुसाइड कर लिया शादी को छः महीने हुए पता नहीं क्यों किया वी हैव नो आइडिया अब उनका रिलेशनशिप इशू जो चल रहा है वो पास्ट लाइफ से चल रहा था उनके कर्मास जो थे ना पास्ट लाइफ के वो हिट कर रहे थे उन्हें जब आपकी लाइफ में सेम पैटर्न किसी चीज़ का बार 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 बनने लगे ना तो आप समझो या तो आपकी कॉर्ड कहीं गलत जगह कनेक्ट है ठीक है या फिर आपकी पास लाइफ के कर्माज आपको हिट अच्छा मैम यहाँ पर आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं मतलब ये इतना प्रिसाइजली आप कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि आप उनका करंट लाइफ का कंफर्म कर रहे हो ना सारी चीज़ें देन यू कनेक्ट विद दैट इवन पास लाइफ के बारे में ना कई लोगों को अपने ड्रीम्स भी आते हैं ठीक है इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ एक मेरी क्लाइंट मॉरिशियस की है उन्होंने मेरे से रीडिंग बुक करी सा सारी चीज़ें हो गई उनकी सारी चीज़ मैंने कहा आपको मुझे ये बताओ आपको क्या ड्रीम आते हैं कि आप किसी गांव में हो कोई छोटे छोटे आप गाय वगैरह देख रहे हो कुछ देख रहे हो कहते हैं है मैम आपको कैसे पता मैंने कहा आप मुझे पहले बताओ फिर मैं आपको बताऊँगी कहते हैं ठीक है, है मैम तो उन्होंने कहा यस मैम मुझे एक बार नहीं ना जाने शायद वीक में दो बार या तीन बार आते होंगे ये ड्रीम मुझे इतना तक पता लगता है कि मैं गाँव में बैठ के गाय के बच्चों को खाना खिला रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ मैंने कहा मैम ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है एंड दिस इज वेरी गुड कनेक्शन फॉर यू ये कोई नेगेटिव नहीं है आप एक्चुअल में सेवा करो कह रही है मैम मेरा बहुत मन करता है लेकिन मुझे मॉरिशियस में ऐसा कुछ मिलता नहीं है करने के लिए तो उनको ऐसे सपने फिर आते क्यों बस पास्ट लाइफ उनको तो हिंट मिल रहा है कई लोगों का ना लाइफ पर्पज की अगर हम बात करते हैं ना है ना लाइफ पर्पज जो होते हैं कई लोगों को हिंट मिलता है कि यू हैव टू सर्व दिस यू हैव टू डू दिस बट उसका ये मतलब नहीं होता जैसे कई लोग कहते हैं ना लाइफ पर्पज पर सर्व करना है तो और चीज़ें छोड़ दो hmm. नहीं अपना गृहस्थ आश्रम अपनी जो चीजें हैं एक्चुअल में जिस करंट फेज में आप हो वो कंटिन्यू रखो उसको मत छोड़ो लेकिन आप अपना साइड बाय साइड और चीजें करते रहो तो इसलिए पास्ट लाइफ का ना लोगों को पहले से आइडिया हिंट भी मिलते हैं उन क्लाइंट को जिनकी वाइफ ने सुसाइड किया था उनको हिंट मिल रहे थे पहले से ही कि जी देखो

उनकी वाइफ ने क्यों भुगते फिर वो उनकी अगर... वाइफ देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आती हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैंने तो पास में किया मुझे दिखाई नहीं ठीक है अब मैं मेरे को कैसे पता है कि मैंने जो किया है वो सही किया था या गलत किया था और मैं यहाँ पे भुगत रहा हूँ अभी आप इस लाइफ में जो कर रहे हो आपको क्या पता नेक्स्ट लाइफ में इसका आपको क्या फल मिलेगा हर किसी कर्मा का ना एक सर्टेन टाइम होता है वो टाइम पीरियड आपको कंप्लीट करना होता है जैसे हम सोलमेट की बात करते हैं किसी कोई भी आपकी लाइफ में एंटर करता है और कुछ थोड़े टाइम के लिए आता है जैसे डवॉर्स हो गया बहुत सारे लोगों का डैवॉर्स होता है ठीक है लोग मेरे से रीज़न पूछते हैं तो वॉट हैव रेड मैंने मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ ली इतना सब कुछ कर लिया है और जो मेरे को मेरे गुरु से भी ज्ञान मिले हैं कि आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिस पर्सन के साथ आपको वो कंप्लीट करना है आप बहुत बार सुनोगे ना कहते हैं ना सात जन्म का साथ हमारा साथ रहना चाहिए है ना साथ और हमेशा ना मैं जैसे मैं हूँ मैं ना अपने स्टूडेंट्स वगैरह को सामना करती सूँ तो ये मत बोला करो सम टाइम यू हैव टू फुलफिल दैट ठीक है सोलमेट जिन्हें कहते हैं ना वो पास्ट लाइफ से ही आते हैं अब सोलमेट तो आपका पास्ट लाइफ से आ गया लेकिन क्या हुआ वो जो पर्टिकुलर टाइम था ना सिर्फ उतने टाइम के लिए आया जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ ना आपके झगड़े शुरू आपके कलेश शुरू और आपका डेवॉस पक्का और सोलमेट तो ऐसा नहीं होता कि यही लिखा हुआ है तो इससे टाइम तो इसके साथ रहना का ही का आई है हमेशा हाँ, उतना टाइम नहीं यही तो लोगों का डाउट होता है सोलमेट है तो मतलब 100 कई लोग डिवोर्स होने के बाद कई लोग शादीशुदा है बट स्टिल दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द मैरिज बट उनकी लाइफ में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके साथ हैप्पी हैं क्योंकि एक्चुअल में वो उनका जो है सोलमेट है मेरे पास जितने टैरो कार्ड रीडर आ कार्ड रीडिंग करवाने आते हैं ना मैं कभी भी किसी को जज नहीं करती हूँ हो सकता है क्योंकि जैसे अब फॉर एग्जांपल उनका लवर्स का कार्ड आ गया इट मीन्स वो तो उनका सोलमेट था पास्ट लाइफ का जिसके साथ वो अभी इतना हैप्पीली फील कर रहे हैं हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल दिस इज रॉन्ग इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते एक्सट्रीमली रॉन्ग बट आप उसको जज भी मत करो इस चीज पे कभी भी कि उसका वो टाइम पीरियड उसके साथ है वो स्पेंड करना पड़ेगा एक और एग्जांपल देती हूँ हम कहीं जाते हैं ठीक है पर ऐसे वैसे कहते नहीं कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो ही होता है तुम्हारा सोलमेट ऐसा भी तो जिससे आपकी सोल मिले जिससे आप अपनी बातें बहुत अच्छे से शेयर कर पाओ आपकी किसी से शादी हुई और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी तो क्या वो आपका सोलमेट है सोल फ्रेंड सोल सिस्टर सोल ब्रदर अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके सोल ब्रदर है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दोनों शादी कर लोगे है ना है ना तो सोल मतलब जहाँ पे आप दोनों की सोल कनेक्ट हो रही है है ना आप दोनों अपनी बातें डिस्कस कर पा रहे हो आप लोग अपनी शेयर कर पा रहे हो अच्छा मैम जैसे आपने टैरो कार्ड के थ्रू उनका पास्ट लाइफ देख लिया कि उनके पास में कुछ रिलेशनशिप को लेके दिक्कत थी अगर वो दो तीन महीने पहले आपके पास आते उनकी वाइफ उस टाइम होती तो आप उनको कुछ रेमेडी रेमेडी दे देता की वो चीज ओवरकम हो जाती हो सकता था हंड्रेड परसेंट हो सकता है वो oh, और अगर देखा जाए जैसे मान लो बहुत से लोग हैं जिनकी चालीस की उम्र में पैंतालीस की उम्र में शादियां नहीं होती हैं तो अगर शायद वो आपके पास आए आप उनकी पास्ट लाइफ देखें तो उनके जो पेंडिंग लाइफ है वो परपस है, वो सॉल्व yes. नहीं हुआ है yes. तो वो, तुम उन्हें उन्हें हेल्प हेल्प कर कर सकते सकते हो हो आप कि वो, yes. 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 मेरे पास आया भी अभी थोड़े टाइम पहले का एग्जाम्पल एक लेडी आई शी इज फिफ्टी ईयरस ओल्ड ठीक है उन्होंने मेरे से बोला मैम अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं रहे हैं नाउ आई एम फीलिंग अ लोन ठीक है मैंने शादी नहीं की है जब मैं उन्नीस साल की थी मैंने किसी एक पंडित को दिखाया था उन्होंने बोला था शादी मत करना तुम बर्बाद हो जाओगी ही सेड लाइक दैट ठीक है बट अब मेरे को अकेला लग रहा है क्या मैं आप शादी कर सकती हूँ मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते मैम टेरो से निकाल के देखा हंड्रेड परसेंट कर सकते हो और बहुत हैप्पीली कर सकते हो अभी यहाँ पे उनका क्या हुआ उनका कार्ड भी आया और मैंने उनको पूछा भी कि आप अभी भी हो नेचुरल है इस उम्र में अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो आप कंफ्यूज हो कंफ्यूजन स्टेट आ रही है तो मैंने उनको उस कंफ्यूजन स्टेट हटाने के लिए एक रेमेडी दे दी शी इज वेरी हैप्पी एंड इन द शी इज गेटिंग मैरिड पचास साल की उम्र में. में आप क्या रेमेडीज देते हो जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो प्लैनेट्स की रेमेडी होती है इसमें क्या रेमेडी टैरो में भी प्लैनेट्स कनेक्ट करते हैं हम अच्छा। लोग यस बहुत बहुत कम लोग समझाएंगे जैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो हम दोनों कनेक्ट करते हैं टैरो में जैसे फॉर एग्जांपल सन का कार्ड हो गया ठीक है किसी के करियर के अंदर आई तो हम उनकी सूर्य की पूजा करवाते हैं ठीक है फिर वहीं पे जैसे चैरियट का कार्ड हो गया ठीक है वो किसी के हर्डल्स में आया तो हम उनको भोले शंकर जी की मतलब शिव पार्वती जी की पूजा करवाते हैं अगर शादी के लिए बात हो रही है ठीक है और इसके अलावा जैसे किसी का बहुत ज़्यादा बैड लक चले जा रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम से ना प्रॉब्लम्स फेस करे जा रहा है करे जा रहा है उसका स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया विच इज़ नंबर एट विच इज़ सैटर्न ठीक है शनि देव का कार्ड हो गया हमने उनकी रेमेडी उनको करवा दी तो इस तरीके से हम रेमेडीज़ उनको सजेस्ट करते हैं अदर देन दैट और रेमेडीज़ भी हम सजेस्ट करते हैं नॉट ओनली फॉर दिस बट टैरो से कलेक्ट करके और चीज़ों को कलेक्ट करके उनको जो बेस्ट रेमेडी होती है या क्रिस्टल्स होते हैं हम उन्हें दे देते हैं सजेशन और आपने अपना पास्ट लाइफ कार्ड दे, देखा, है कभी? मैंने देखा है क्या थे आप मैं अपने लाएफ लाएफ में? में टीचर थी अच्छा yes. अब एक तरीके से वही, वही हूँ हाँ, मैं इंडिया से ही हूँ क्योंकि मैं, मैंने मेरे फादर की भी की है ठीक है मेरे फादर इंडिया से नहीं थे मेरे फादर बाहर से थे यूरोप साइड के कहीं अच्छा जी हाँ हबरूस अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे हब्रूस लैंग्वेज के अंदर ना एक होता है मेरे फादर थे किसी चर्च के अंदर पार्ट जी अगर इन शॉर्ट आप कहो ना फादर मेरे फादर वो थे मेरे हस्बैंड जो हैं वो वो थे आ, कहते ना सेनापति मेरे हस्बैंड वो थे अपनी पास्ट लाइफ में नो ही इज नॉट मेरे हस्बैंड भी इंडिया के नहीं मैं इंडिया की मेरे फादर भी इंडिया के नहीं ये दोनों इंडिया तो ये सब मुझे जाननी है तो मुझे पता चल जाता है कि मैं ये हूं, आप आप हूं। ना, आप ना उनको बताओ आपके पास के ना कुछ कनेक्शन आपकी करंट लाइफ में ऐड होंगे जरूर वो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल uh, एक क्लाइंट ने मेरे को करवाया था उनको मैंने बोला था कि आप मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे हो क्या क्योंकि उनका एक ऐसा कार्ड आया था जो पास्ट लाइफ का मैंने कहा आप मैनेजमेंट में हो वही कर रहे हो क्या आपको बहुत इंटरेस्ट है कहते हैं मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है मैंने कहा अब अगला स्टेप क्या करना है कह रहा हैं मैं सोच रहा हूँ इवेंट मैनेजर मैनेजमेंट के लिए मैंने कहा करो बहुत अच्छा चलेगा आपका वो कर रहे हैं अभी फाइनली हैप्पीली इज डूइंग इट तो ये मालूम पड़ जाता है अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ के लिए आपके पास आ रहा है वो कोई जानवर था या या फिर वो ह्यूमन ह्यूमन जब था वही आएगा। नहीं आप, आपका ना लाइफ साथ जो लाइफ होती है ना हम जो इसमें आते हैं ना ह्यूमन एज एन ह्यूमन आप अपनी या तो पास्ट लाइफ में आप हो ह्यूमन या ये आपकी फर्स्ट लाइफ है ठीक है पहली चीज अगर आपकी ये फर्स्ट लाइफ है एज एन ह्यूमन तो आपको वो पता चल जाएगा मतलब सेकेंड लाइफ है आई एम सॉरी है ना और पास्ट लाइफ में आप कोई एनिमल या कुछ हो वो भी पता लग जाएगा उसका भी प्रॉपर पता चल जाता है जैसे कोई कैटरपिलर हो गया या फिर कोई रैबिट हो गया या कैट हो गया ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है एक क्लाइंट उनको बहुत ज्यादा ना ही फील लाइक कि उनको पेड़ पे बैठना चाहिए उनको पेड़ पे बैठना चाहिए बार बार एंड आई फील लाइक डू यू हाँ एग्जैक्टली डू यू फील लाइक टू सिट ऑन द ट्री और समथिंग कहते हैं मैम मुझे सच में ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा सा पेड़ मुझे दे दो मैं उस पर बैठ जाऊँ और मैं बहुत उछल कूद करूँ क्या एनवायरनमेंट से प्यार करने वाला आदमी होता पहले पिछले जन्म में तो आप उनको कनेक्ट करके बताओगे वही तो अब, वो अब मैं रीडिंग नहीं कर सकती यहाँ से ताकि मैं आपको और पिछले जन्म में नेचर से प्यार समझ में आता है लेकिन पेड़ के ऊपर बैठ के खाना नेचर से सम... प्यार हो तो वहाँ खड़ा हो बैठे पेड़ के नीचे बैठे पेड़ पे चढ़ने कर पे मुझे पेड़ पे चढ़ना है तो, आ, तो वो उसका तो तो पास लाइफ का कनेक्शन है ना तभी तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना अच्छा अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होता कुछ और होते वो अपनी कई लोगों की पास्ट लाइफ ही नहीं होती कई लोगों की पास्ट लाइफ होती ही नहीं है ठीक है तो उस सेंस में आप क्या कहोगे कि नहीं 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 फिर भी आप जबरदस्ती थोड़ी करोगे आप उनको बोलोगे आपकी पास्ट लाइफ नहीं है आपके जो कर्माज हैं वो अभी के हैं कई लोगों के कर्माज अभी जब वो मेरे से रीडिंग करवाने आ रहे हो वो बहुत ज्यादा परेशान हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैम मैं परेशान हूँ तो उनके पास्ट के कर्माज नहीं आ रहे पास्ट लाइफ के नहीं है आपकी इसी लाइफ में जो आपने पास्ट में किया फॉर एग्जाम्पल दो में आपने कुछ कांड कर दिया तो वो आपका अब पता लग रहा है ओ। तो मैम वैसे जैसे पास्ट लाइफ में कई ऐसे कोर्सेज वगैरह भी हैं जो आपको विजन दिखता है yes. एक टीचर गाइड करता है आपको विजन दिखता है कि आप पास्ट लाइफ में गए पर आप जो निकालते हो वो कार्ड्स के थ्रू निकालते हो correct. तो जैसे आप इतनी प्रिसाइजली बता रहे हो कि आपके फादर एक चर्च के फादर थे हस्बैंड बाहर के सेनापति थे तो वो आपको वो विजन दिखता है वो विजन भी उनकी शक्ल भी दिख है करेक्ट करेक्ट उनका विजन भी दिखता है शक्ल इवन जब आपके कार्ड्स Uh, बहुत सारे टेरो कार्ड कह रीडर्स कहते हैं ना कि मैंने ये कार्ड में देखा कार्ड कभी आप नहीं देखते हो कार्ड्स हमेशा आपको दिखाते हैं कार्ड्स यू आर द चूज वन इफ़ यू आर डूइंग अ टैरो कार्ड रीडिंग यू आर द चूज वन आपको चूज़ किया गया है टैरो कार्ड्स बिकॉज दिस इज़ अ होली बुक ये डिवाइन पावर है क्योंकि टैरो कहाँ से जो हुआ है ना इजात हुआ है बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है टैरो के बारे में एक्चुअल में नहीं पता कहते हैं यूरोप में कभी एक मेला हुआ करता था वहां पे किसी एक पर्सन को टैरो मिले ठीक है अब वो जब टैरो कार्ड्स मिले ना तो उनको शुरू में समझ में नहीं आया उन्होंने जाके राजा रानी को दे दिया वो खेलने लगे बट एक्चुअल में ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे खेलते ना तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि टैरो में आप देखोगे पेज होता है नाइट होता है है ना सारे किंग होता है क्वीन होता है एंड देन फिर एसिस होता है तो जैसे कार्ड्स खेलते ना सिमिलर वैसे होता है बट वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए तो कहते हैं कि जब वो कार्ड्स को ऐसे हाथ में उठाया गया ना जिस पर्सन ने उठाया उसके पीछे ना पूरा एक हौरा बन गया था जिसे हम कहते हैं ना होलो पूरा एक एनर्जी सर्कल बन गया था तो वो एनर्जी सर्कल जो बना था ना दैट वॉज द डिवाइन पावर वो डिवाइन पावर के थ्रू आए थे और चाइना वाले अलग कहते हैं ठीक है जैसे चाइना वाले की कहते हैं ठीक है और इनको अलग-अलग नेम से दिए गए हैं चाइना में अलग यूरोप में अलग कहीं और अलग सबका अपना-अपना वर्जन अलग होता था पहले बट एट द एंड स्टैंडर्डाइज किया गया टैरो को एंड देन फिर वो अब वेल well नोन है सब लोग जानते हैं अच्छा मैम उसकी टैरो की इंडियन रूट्स नहीं है कई लोग कहते हैं ये साइंस हमारी है नहीं अच्छा टैरो की इंडियन रूट्स नहीं है एक्चुअल में अगर आप उसको कनेक्ट करोगे ना टैरो को तो आपको देखिएगा एसेस ठीक है हेरोफ्रेंड हमारे पास हैरो हमारे पास फादर नहीं होते थे कभी मैं अफर्ण, अफर्ण अगर मैं अफ्रेंड अफ्रेंड अगर पूछ रहा हूँ ना तो मैं बताऊँगी हमारे पास फादर नहीं होते थे ना हैरोड जो नंबर पाँच कार्ड है हमारा दी हैरोफ्रेंड वो फादर है हमारे पास फादर नहीं होते थे हमारे पास जो होते थे महंत जी होते थे पंडित होते थे है ना अगर हम रूट्स की बात करें इस तरीके से क्योंकि क्रिश्चनिज़्म

या हमारा गोल्डन पायराइट जैसे फाइनेंसिस के जिन लोगों को हर्डल्स आते हैं उनके लिए ग्रीन एवेंशन हेल्थ के लिए या फिर हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के लिए तो जैसे जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं उनको क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ कि आप ये पहनेंगे तो इससे आपके ऑब्स्टिकल अब आप ब्लैक टर्मिलिन है जो लोग प्रोटेक्शन थ्रेड नहीं पहन सकते हैं कि मैम हमें धागा पहनना अच्छा नहीं लगता तो उनको ब्लैक टर्मिलिन हम सजेस्ट कर देते हैं कि आप ब्लैक टर्मिलेन पहन लो एज इन प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन करना है तो मैम अभी आमतौर पे पहनते हैं अक्सर पहनते ही रख पहने रखती मैं तो? मेरे ये हमेशा पहने रहती हूं अच्छा आई नेवर रिमूव देम यस ये दो मैं ये कभी भी नहीं करती हूं ये है? ग्रीन वाला ग्रीन एवेंचरिन है और ब्लैक टर्मलिन और ये गले में गले में ये इससे जाप करते हैं हम स्वेटिक

उससे भी हूं, भी। कनेक्ट करके से ओके नहीं ऐसा नहीं है देखो बीमार हर कोई पड़ता है इट्स जस्ट हाँ लेकिन मैं अगर ये कहूँ ना कि सीवियर बहुत ज्यादा बीमार पड़ना या बैक टू बैक इश्यूज रहना टूट माता रानी की कृपा से वो नहीं होता क्योंकि प्रोटेक्शन हमेशा अपना और क्लिनजिंग रहते हैं हाँ मैं ये कहूँगी जब मैं फुल फ्लैश इस लाइन में नहीं थी ना मतलब इस लाइन में नजर कि मैंने ये अपना एज एन चूज़ नहीं किया था कि मुझे यही करना है यही मेरा करियर पाता है उससे पहले मैं पढ़ती थी बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती थी बट मैंने जब से ग्रीन एवेंशन वगैरह डालना शुरू किया मैंने कहा यही मेरा प्लैनिट का है भाई यही मेरी हेल्प करेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्टोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्टोन्स महंगे होते हैं है ना क्रिस्टल्स उनसे थोड़े एक्सपेंसिव कम होते हैं तो वो जो लोग स्टोन नहीं पहन सकते ना उनको हम क्रिस्टल सजेस्ट कर देते हैं कि आप आप, ये पहन सेल भी करते हैं हाँ अगर मेरे से मैं बोल देती हूँ नो फोर्स कभी मैं किसी से नहीं कहती कि मैं आपको कि आप मेरे से ही लो मैं सजेस्ट कर देती हूँ नेम भी बता देती हूँ बाकायदा कि ये नेम है इफ यू कैन बाय इट ऑन योर ओन बाय ले लीजिए पहन लीजिए प्रोसेस मैं बता दूंगी कैसे लेकिन ओरिजिनल पहनना रीजन क्या होता है इसमें ना बहुत सारे आपको कांच के भी मिल जाएंगे फेक जो होते हैं अब सामने वाले ने कांच का खरीद लिया फेक पहन लिया अब पहनने के बाद क्या हुआ उसका कुछ फायदा नहीं हुआ अब सामने वाला कहेगा कि वो ना उन्हें पागल बना दिया मुझे सजेस्ट किया मेरे को कोई फायदा भी नहीं हुआ सेंस नहीं है तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी लो ऑथेंटिक जगह से लो ओरिजिनल लो और पहन लो मैम अब टैरो बता देते अगले वाले बंदे को कौन से करियर में जाना चाहिए तो वहाँ पे वो एक्सेल करेगा ही करेगा अगर आपने बता दिया तो वो मतलब वहाँ अच्छा हैं, करेगा करते हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे अभी एक मेरे को बोला किसी ने कि मैम मेरा करियर पाथ बता दो आई एम वेरी कंफ्यूज मैंने कहा देखो तुम काउंसलिंग में चले जाओ तुम काउंसलिंग या टीचर इन दो पाथ में से कोई एक चूज करो कहते हैं मैम आई एम सो सो हैप्पी दैट यू हैव सजेस्टेड मी मैंने अभी काउंसलिंग के लिए ही एडमिशन लिया है एज इन काउंसलर यस क्योंकि कार्ड्स ना प्रॉपर बताते हैं जैसे अब ऐसे एग्जांपल बताओ कुछ जॉब कर रहा हो और, ये ये और, और दूसरे की क्यों जाऊँ मैं अपनी बताती हूँ जब मैंने किया था मैंने एंटर किया था ये करियर पाथ वाला तो मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी मैं आपको ये बता मैं मैंने एक एमएनसी के अंदर जॉब भी की है बहुत अच्छे लेवल पे ठीक है मैंने फिर वो अपना करियर बाद छोड़ के देन आई हैव एंटर्ड इन दिस यो ये मैं साइड बाय साइड कर रही थी उस टाइम पे तो जैसे मेरे एक क्लाइंट ठीक है उन्होंने बोला कि मैम मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में मैं कुछ भी कर लूँ मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कुछ भी मैंने कहा आपको टेक्निकल बहुत अच्छा है उनका कार्ड आया था राहू का ठीक है पहले मैं देखो आपको प्लेनेट से कनेक्ट करूँ ना आप लोगों को बड़ा मजा आएगा समझ में आएगा हाँ भाई क्या है उनका कार्ड आया राहू का साथ में आया उनका वॉन्स का कार्ड ठीक है मैंने उनसे बोला मैंने कहा ये बताओ अपने गैजेट्स के साथ कितना खेलते हो कहता है, बड़ा मजा आता है मैम बहुत ही खेलता हूं मैं तो मैंने कहा वायर हो गए कोई भी सामान खोल के बैठ जाते हो ना कहता हाँ मैं. टेक्निकल कर लो या कुछ कर लो अभी वो उन्होंने एक कोर्स किया था ठीक है और अभी वो एक अच्छी खासी एम के अंदर टेक्निकल जॉब कर रहे हैं ओ, क्योंकि राहु राहू जो है ना वो आपका राहू धुआं है एक्चुअल में तो जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं या और वो अगर टेरो की बात करें हम तो टैरो जो है वो, वो टैरो में वॉन्स आया वॉन्स जो आया हमारा टेक्निकल आया तो उनको मैंने राहु से टेक्निकल से और उससे भी और दोनों से कनेक्ट करके करियर पाद दिया कि आप ये चूज करो वाह तो मतलब जनता हमारी आपसे ये गाइडेंस भी ले सकती है कैसे करियर में जाए मतलब आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो शायद <laughs> <laughs> तो ऑडियंस को मैं बता दूं कि जो लोग मैम से जुड़ना चाहते हैं उनसे मैम से जुड़ने की सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब uh, चैनल का लिंक भी मैम का यहाँ पर गोल बटन आ रहा है आप इसको चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और uh, मैम आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो लोगों से एक तो माँ काली से डरो मत सात्विक तरीके से माँ काली की पूजा करो माँ काली इज़ वेरी वेरी लाइक यू नो माँ है तो बहुत अच्छी पावर एनर्जी आपको देंगी और बहुत ब्लेस फील करोगे आप माँ काली की पूजा के बाद ठीक है ज़रूरी नहीं आपको हीलिंग ही सीखनी है आप वैसे नॉर्मल भी माँ काली की पूजा कर सकते हो और टैरो अगर आपको करना है तो जेन्युन टैरो कार्ड रीडर से करना जो आपको एक्चुअल में बता सके आपके बारे में आई एम नॉट सेइंग मेड से किसी से भी जेन्युइन के पास जाना ताकि आपका जो बिलीव है ना वो अफ फ्रंट रहे क्योंकि मैं अपने उसमें जब भी करवाती हूँ ना टैरो मैं सामने जो भी क्वेश्चन है मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास ये क्लाइंट वापस आएगा या नहीं आएगा बट मैं अप्रंट होके ना बता देती हूँ ना चेरी पिक करके देती हूँ क्लाइंट अच्छा, को अच्छा। बहुत सही बढ़िया भाई मैं एंड करने से पहले जनता को ये भी बता दू की जो हमने कपड़े पहने ये भी आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे बहुत ऑसम डिजाइन है इसके यहाँ ओडी पहनी हुई है इंसान से लगता है और जो पीयूष ने पहना हुआ डर है जिम करे टीशर्ट हुडी स्वेटशर्ट मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है मल्टीपल डिजाइंस का प्लीज गो एंड चेक इट आउट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मैम आप भी खरीद सकते हो अगर आप यस यस yes, yes. मैं वो स्पिरिचुअल वाला जरूर खरीदूंगी परफेक्ट बस मेरा साइज मिल जाए <laughs> 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 कस्टमाइज करा देंगे चलो जी मिलते हैं बाय बाय सी यू